भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही 3 ODI मुकाबलों का लास्ट मुकाबला हम लोगों को मैनचेस्टर में देखने को मिलने वाला है, जो कि 17 तारीख को शाम 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और ये मुकाबला सीरीज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले को जीती है वो इस सीरीज को 2-1 से जीत जाएगी और इसके साथ ही ODI सीरीज उनके नाम हो जाएगी। ऐसे में भारतीय टीम, जो कि T20 सीरीज में अपने अग्रेसिव बैटिंग अप्रोच के लिए जानी गई थी, लेकिन उसके बाद जब हमने ODI सीरीज में सेकेंड मुकाबला देखा तो वहां पर 247 रन का टारगेट, जो कि काफी हद तक अंडर पार था, उस टारगेट को अचीव करने में भारतीय टीम ने जिस तरीके की अप्रोच दिखाई थी वो काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल थी, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन ने काफी ज्यादा डिफेंसिव बल्लेबाजी की थी। इसके बाद विराट कोहली की फॉर्म भारतीय टीम को पिछले काफी टाइम से परेशान कर रही है, तो ऐसे में मुकाबला भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ बड़े प्लेयर्स जैसे कि विराट कोहली और उनके साथ ही बाकी के प्लेयर्स भी अब अपनी फॉर्म में वापस आना चाहेंगे, क्योंकि उनके फॉर्म में ना आने से जो भी प्लेयर्स फॉर्म में चल रहे हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर एड अप हो रहा है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने इस चीज को फाइनलाइज कर दिया है कि इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम आप लोगों को अपनी प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजेस करते हुए नजर नहीं आएगी, यानी कि अनचेंज्ड स्ट्राइक भारतीय टीम रहेगी। और रोहित ने कहा कि वो इस टीम पर ट्रस्ट करते हैं और वो इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी सेम प्लेइंग 11 को बैक कर रहे हैं जो कि लास्ट मुकाबले में थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी और क्या आप लोगों की प्लेइंग 11 है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।